तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर आप बढ़िया नहीं है तो गाइस ये वीडियो को देखने के बाद हो जाओगे आप काफ़ी हैप्पी। तो गाइस आप हैप्पी इसलिए होने जा रहे हो क्योंकि मैं इस वीडियो के बीच में आपको बताने जा रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो में तक जरूर बने रहना। तो हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब की बार हमारा आ चुका था एक और बारी पुर्गेटरी मैप। तो गई जब से पुर्गेटरी मैप आया काफ़ी बारी हमारा आ चुका है यहाँ पर पुर्गेटरी मैप। तो गई जब मैंने एक बंदे को ओपी वाला हेडशॉट देखे यहाँ पर डाउन कर दिया और सामने साइड से एक बंदा आया, काफ़ी डैमेज लगा। तो गई मैंने यहाँ पर ड्रॉप का कवर ले लिया है। तो गई उनके बच्चे हैं दो बंदे और हमारे भी बच्चे हैं दो ही बंदे, एक मैं एंड मेरा एक टीममेट। तो गई सामने साइड से एक बंदा आया, 53 कर लगा और ये गाइज 170 का हेड देके गाइज मैंने इसको यहाँ पर डाउन कर दिया है। तो गाइस सामने साइड से मेरा फ्रेंड लड़ने लग रहा है बंदे से। तो गाइस लेफ्ट से मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा, ये भी मेरे को किल निकालना है, ट्रिपल किल करनी है मेरे को यहाँ पर हेडशॉट से। तो कभी जाते ही बंदा गाइस उस बंदे को मार रहे गाइस। जैसे गाइस जो मैंने बोला गाइस वे ही होया गाइस ही गाइस, जैसे ही मैं गया ना गाइस उस बंदे ने इस बंदे को यहाँ पर क्लियर कर दिया। बट लेकिन उस बंदे के पास ना गाइस क्या थी पता है, M503। तो उसके मेरे साथ मुकाबला होना था बट लेकिन WSP वाले बंदे के साथ इसका मुकाबला हो गया। तो ये हारना तो था ही बट लेकिन गाइस इसको हेड लग जाता तो ये बचता ही नहीं। तो गाइस मैंने यहाँ पर खरीद ली थी SKS और मैं आपको बताऊँगा 3 पैसिव एंड 1 एक्टिव स्किल। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस लाइक जरूर कर लेना। तो गाइस अपना निकलते हैं अब नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो चलिए, तो गाइस अपन नेक्स्ट राउंड की तरफ निकल चुके थे बट लेकिन ये मेरे को डैमेज कहाँ से पड़ गया, यहाँ पर मैं लेट की मेडी कर रहा हूँ। वो इस पीछे से ये क्या कर रहा भाई? अरे भाई यार ये क्या था यार, ये क्या अजूबा हो गया यार, मेरे साथ पोपट हो गया गाइज, पोपट हो गया यहाँ पर मेरे साथ। बट लेकिन कोई नहीं गाइज, देखते ही ये बंदे राउंड निकाल पाएंगे या नहीं। तो गाइज यहाँ पर ना हमारे बच्चे हैं दो बंदे और उनके बच्चे हैं तीन बंदे, तो देखते हैं राउंड निकाल पाएंगे या नहीं। तो गाइज उनकी भी अब एक बंदा डाउन कर दिया इन्होंने दोनों ने मिलके, तो इनके भी बच्चे गाइज दो बंदे, तो देखते हैं मार पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ना मेरा फ्रेंड भी जाकर ऊपरी साइड मर चुका था और उसके पास नेड आया। बट लेकिन गए से यहाँ पर डेमिट्री करेक्टर से रिवाइव लेने लग रहा है और जोन भी एंड टाइम पे रुक गया। बट लेकिन सामने साइड से बंदा आया और यहाँ पर इसको फार्मर्स एक्स यहाँ पर क्लियर कर दिया। यही बंदा गए मेरे को भी मार रहा था, काफ़ी देर से परेशान कर रहा था। बट लेकिन कोई नहीं गए, जब इनको माफ़ नहीं करा जाएगा। तो गए से आप खुद ही देखना हम ये राउंड विन कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए, यहाँ पर इन बंदों ने यहाँ पर राउंड तो फाइनली निकाल लिया। यही बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा है मेरी टीम में बट लेकिन और गए सब नठल्ले नल्ले बैठे हुए। तो गए जब बता देते हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गए जो फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ वे है गाइज पैसिव स्किल, वे है गाइज लुकेटा। लुकेटा करेक्टर का क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि आप बंदे को डाउन करोगे आपको 25 HP मिल जाएगी, आपकी 225 HP हो जाएगी। और अगर आप मैक्स बंदे को डबल बंदे को डाउन करें तो आपको 250 HP हो जाएगी, इससे आपकी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो किसी होता है लुकेटर का फ़ायदा। और जो सेकंड पैसिव स्किल है गाइस वे है
रैफल करेक्टर, रैफल करेक्टर का आपको फायदा पता ही होगा गाइस। देखो जैसे अभी मैंने इस बंदे को डाउन करा, साइलेंसर करेक्टर से डाउन करा मैंने इस बंदे को गाइस। अगर आप इस बंदे को डाउन करा, जैसे इसका फ्रेंड रिवाइव भी करने नहीं आ पाएगा, इसकी काफ़ी स्पीड से रेड एचपी घटेगी, ठीक है। और गाइस यहाँ पर ना अब इसको रिवाइव भी नहीं करवा पा सकते, और थर्ड एक पैसिव उसके लिए गाइस जो है लूना। तो लूना करेक्टर का यह फ़ायदा होता है गाइस, इसका फ़ायदा ये होता है गाइस, आपकी गन की रेट ऑफ फायर काफ़ी तेज़ हो जाती है। वो जो गाइस फोर्थ करेक्टर है एक्टिव उसके लगे जो है गाइस मो क्लू, क्लू का क्या फ़ायदा होता है गाइस, आप नेडर हो ना तो लोकेशन देख के नेड डाल सकते हो और बंदे को क्लियर कर देते हो गाइस, ये होता है क्लू का फ़ायदा। तो गाइस यहाँ पर ना इस बंदे को मार दिया था। और गाइस अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो